एक जंगल खूब हरा भरा था। हरी हरी घास थी, साफ शफाफ पानी की नदी बहती थी, ठंडे मीठे पानी के चश्मे थे। जंगल में रीछ, लूमड़ी, गीदड़, खरगोश, नील गाय, बैल और बंदर कई जानवर थे। सब जानवर आजादी से घूमते फिरते थे और खुश खुश वक्त गुजारते थे। एक दिन एक शेर कहीं से इस जंगल में आ निकला। वो जंगल के जानवरों का शिकार करने लगा। कभी किसी गाय को दबोच लेता, कभी किसी हिरन को चीर फाड़ कर खा लेता। शेर ने जंगल के बहुत से जानवर शिकार कर लिए। बाकी जानवर जान बचाने के लिए इस जंगल से भागने लगे। इस जंगल में जानवरों में दो बैल भी थे। वो इकट्ठे रहते थे और साथ साथ चरते थे। उन्होंने जब जानवरों को जंगल से भागते देखा तो आपस में फैसला किया कि हम ये जंगल नहीं छोड़ेंगे, हर वक्त एक साथ रहेंगे और अगर शेर ने हम पर हमला किया तो हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। एक दिन दोनों बैल इकट्ठे चल रहे थे। शेर भी वहां निकला। उसने दो मोटे ताजे बैल देखे तो दिल में खुश हुआ कि वाह, ये तो मजे हो गए। शेर ने दोनों बैलों पर हमला कर दिया। फिर क्या था, बैलों और शेर में मुकाबला शुरू हो गया। शेर एक बैल पर हमला करता तो दूसरा उसे पीछे से सींग मारता। वो दूसरे की तरफ मुड़ता तो पहला उसे सींगों से मारना शुरू कर देता। ये मुकाबला खासी देर तक होता रहा। शेर बैलों का कुछ ना बिगाड़ सका, जबकि बैलों ने उसे सींगों से मार मार कर लहू लुहान कर दिया। शेर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकला। इसके बाद वो शेर कभी उस तरफ न आया और दोनों बैल उसी तरह जंगल में मजे से रहते रहे। इसीलिए कहते हैं कि मिलजुल कर रहने में बड़ी बरकत है। एक अकेला ही होता है, दो मिल जाए तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं।